नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुखी भवा में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अब मौसम चेंज हो रहा है और मौसम में बदलाव के साथ कई सारी बीमारियां भी दस्तक दे रही है और इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है एलर्जी। कुछ एलर्जियां तो ऐसी होती है जो कई व्यक्तियों में पूरी जिंदगी के लिए होती है, लेकिन कुछ एलर्जी ऐसी होती है जो मौसम के बदलने पर होती है। ऐसी एलर्जी शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों जैसे कि आंख, कान, नाक, गले और त्वचा को प्रभावित करती है। अगर आपको मौसम बदलने पर छींके आने लगती है या फिर त्वचा में खुजली होती है तो ये भी एलर्जी हो सकती है। तो आइए अब हम जानेंगे इससे किस तरीके से निजात पाए। अगर मौसम बदलने से आपकी त्वचा में नॉर्मल खुजली हो रही है तो आप नारियल के तेल में कपूर मिलाकर इसको खुजली वाली जगह पर लगा लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। या फिर जिस जगह पर एलर्जी हो रही है वहाँ पर आप एलोवेरा भी लगा सकते हो। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिसकी वजह से खुजली में आराम मिलता है और त्वचा पर मौजूद कीटाणु मर जाते हैं। इसके लिए आप एलोवेरा की एक पत्ती ले, उसको बीच में से काट लीजिए और उसमें का जेल निकाल कर जहाँ पर आपको खुजली हो रही है वहाँ पर लगा ले। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार कीजिए, इससे भी आपको आराम मिलेगा। खुजली के लिए नीम भी एंटी बैक्टीरियल होता है जो कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है। नीम के पत्तों को रात में पानी में भिगो कर रख दे और सुबह उन्हें पीस कर खुजली वाली जगह पर लगाए, या फिर आप चाहे तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से नहाएं, इससे भी खुजली में काफी आराम मिलता है। कई लोग तो नीम का काढ़ा भी बनाकर पीते हैं। नीम का काढ़ा बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी नीम को तब तक उबालिए जब तक कि वह 1 कप ना हो जाए, और जब 1 कप हो जाता है तब ये काढ़ा बनकर रेडी होता है। ये भी एलर्जी के लिए काफी हद तक फायदेमंद होता है। या फिर सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि मार्च और अप्रैल के महीने में जब नीम के पेड़ से कच्ची कोपले निकलती है तब उस समय की 20 ग्राम पत्तियों को कुचलकर 100 मिली पानी के साथ मिलाकर रोज सुबह लेना है। ऐसा 30 दिनों तक करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है और किसी भी तरह की एलर्जी से शरीर को बचाने के लिए असरकारक होता है। अगर आपको वाहनों के धुएं या फिर केमिकल युक्त प्रोडक्ट जैसे साबुन वगैरह का आप यूज करते हैं, इससे जो आपको एलर्जी होती है इससे त्वचा पर अचानक धब्बे, कालापन दिखाई देने लगता है, तो इस प्रकार की एलर्जी के लिए आप जैतून का तेल जरूर लगाएं। ये काफी मदद करता है इसे खत्म करने में। और अगर एलर्जी की वजह से त्वचा पर होने वाली खुजली को दूर करने के लिए तुलसी की पत्तियों को पीस लिया जाए और इसमें लहसुन की कुचली हुई 2 कलियों को मिला दिया जाए और करीब आधा चम्मच जैतून का तेल डालकर जहाँ पर भी एलर्जी वाले दाग धब्बे है वहाँ पर लगाया जाए तो इसमें बहुत ही ज्यादा जल्दी आराम मिलता है। या फिर सदाबहार नामक एक पौधा होता है, इसकी पत्तियों के रस को भी त्वचा पर लगाने से त्वचा की खुजली में आराम मिलता है। एलर्जी की वजह से हे फीवर नामक एक बीमारी होती है जिसमें आंखों का लालपन, सर्दी खांसी जैसी समस्याएं हो सकती है। नाक से पानी निकलना, अचानक खांसी का तेज हो जाना या गले में खराश का होना, ये भी एलर्जी की निशानी है। अगर आपको इस तरह की कुछ एलर्जी है तो आप गाय के दूध से बना शुद्ध घी करीब 25 ग्राम ले और इसे हल्की आंच पर गर्म करके इसमें 5 से 6 काली मिर्च डाले और इसे क्रैक होने तक पकने दे। जब ये क्रैक हो जाए तो इसे नीचे उतार ले और इसमें 2 चम्मच शक्कर मिला ले और इस मिश्रण को सुबह शाम दोपहर ले, इससे एलर्जी छूमंतर हो जाएगी। या फिर अगर आपकी आंखों में जलन या खुजली हो रही हो तो आंखों को ठंडे पानी या गुलाब जल से धोए और घर से बाहर निकलने से पहले अपनी आंखों को धूप वाले चश्मे से ढक ले, या फिर आप खीरा या जिसको ककड़ी बोलते इसे भी गोल गोल काट कर अपनी आंखों पर रख सकते, इससे भी आराम मिलता है। और अगर आपको नाक में एलर्जी हो रही है या फिर छींके आ रही है तो आप क्या कीजिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी को 1 गिलास पानी में पकने के लिए रख दें और ये पानी जब तक आधा ना हो जाए तब तक इसको पकने दें और ये पानी जब पूरा आधा हो जाएगा तब ये काढ़ा बन जाएगा और इस काढ़े को दिन में 2 बार पिए, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। या फिर आप तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च की काली चाय बनाकर पिए, इससे भी आराम मिलेगा। कुछ लोगों को जैसे ही बरसात का मौसम लगता है एकदम शरीर पर मोटे मोटे चकते आने लगते हैं लाल लाल कलर के, इस टाइप की एलर्जी होती है और बहुत खुजली होती है, तो इस एलर्जी से बचने के लिए आप अदरक के टुकड़े को पीस ले और इससे रस निकाल ले और इस रस को शरीर पर दिन में कम से कम 4 बार लगाएं। कुछ जानकारों का मानना है कि
ऐसा लगातार नियम से करने से इस समस्या से आराम मिलता है। कुछ इलाकों में तो आदिवासी लोग ना महुए की फलियों से तेल निकालते हैं और इसे शरीर पर लगाते हैं। इन आदिवासियों का यह मानना है कि यह तेल शरीर के बाहरी हिस्सों पर हुई किसी भी तरह की एलर्जी को दूर करने में बेहद कारगर होता है। तो इस बदलते मौसम की वजह से हो रही एलर्जियों को इन नुस्खों से दूर कर सकते हो। तो अगर आपको भी ये एलर्जी हो रही है तो ये नुस्खे आजमाएं और अपनी एलर्जी को घर पर ही ठीक करें। और अगर आपको इसी तरह के घरेलू नुस्खे जानना हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं आपको किस तरीके के नुस्खे चाहिए या फिर किस तरह के वीडियो चाहिए। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।